हाल ही में जारी हुए आंकड़ों के अनुसार धरती पर इंसानों की आबादी लगभग 800 करोड़ हो गई है। यूनाइटेड नेशंस की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक जनसंख्या यह आंकड़ा लगभग 850 करोड़ पहुंच सकता है। इसी बीच इंटरनेट पर एक वीडियो ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है, जिसमें एक शख्स साइकिल पर बहुत सारे बच्चों को बैठाकर उन्हें स्कूल छोड़ने के लिए जाता हुआ नजर आ रहा है। अब इस वायरल वीडियो को देखकर लोग तरह तरह की बातें करते हुए दिख रहे हैं। उन्हीं में से कुछ लोगों का कहना है कि 8 अरब की आबादी में से ऐसे लोग का भी खासा योगदान है। वायरल हो रहे इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक शख्स साइकिल चला रहा है, उसकी साइकिल पर 9 बच्चे लदे हुए हैं। इन सभी बच्चों के स्कूल यूनिफॉर्म पहना हुआ है, जिसे देखकर यहां अंदाजा लगाया जा सकता है कि शख्स या तो उन्हें स्कूल छोड़ने जा रहा है या फिर स्कूल से लेकर लौट रहा है। 3 बच्चे साइकिल की कैरियर पर बैठे हुए हैं, साथ ही एक बच्चा खड़ा हुआ है। 2 बच्चों को शख्स ने अपने कंधे पर बैठाया हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं, 3 बच्चे साइकिल के अगले पहिए के कवर के ऊपर बैठे हुए हैं। इस वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे ये किसी अफ्रीकी देश का है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि साइकिल सवार ही इन बच्चों का पिता है या नहीं। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो को ट्विटर पर जैकी यादव 16 के नाम के अकाउंट पर शेयर किया गया है। इस वीडियो के कैप्शन में लिखा है कि दुनिया की आबादी 8 अरब हो गई है। इस उपलब्धि को हासिल करने के ऐसे इंसान को बहुत बड़ा योगदान रहा है। कुछ सेकंड के इस वीडियो को अब तक लाखों लोग ने देख लिया है, जबकि हजारों लोगों ने इसे लाइक किया है। वीडियो देखने के बाद लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। एक यूजर्स ने लिखा है कि अरे भाई, ये जरूरी तो नहीं है कि सब उसी के बच्चे हो। वहीं एक अन्य ने लिखा है कि बाकी सब छोड़ दो, बैलेंस की दाद देनी पड़ेगी गुरु।